हेलो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स सो टुडे वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन इन दिस वे द एमीन्स इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट फर्स्ट इज द सिंपल एमीन्स एंड सेकेंड वन इज द मिक्स्ड एमिन आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एमींस का ही क्लासिफिकेशन जो कि इस वे से हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है सिंपल एमीन्स और सेकंड इज़ द मिक्स्ड एमीन तो सिंपल एमिनस क्या होते हैं इफ़ द एलकाल सिंपल एमिनस के लिए है कि इफ़ द एलकाल और एराल ग्रुप्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन आइटम आर सेम दिन इज़ कॉल्ड एट सिंपल एमेंस कि अगर अलकाल और एर आल ग्रुप जो होते हैं जो कि नाइट्रोजन आइटम से बॉन्डेड हो वो अगर सेम हो तो उस ऐमीन को बोला जाता है सिंपल एमिनस तो सिंपल एमिनस के हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल्स कर लेते हैं सिंपल सेमिनस का जैसे हम लोग सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या कर सकते हैं डेज देखिए क्या है इसमें क्या बोला जा रहा है कि सिंपल एमीन्स में क्या होते हैं कि इफ द अल्कल ग्रुप्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन आइटम आर सेम अगर जो नाइट्रोजन आइटम से जो भी अल्काल ग्रुप अगर बॉन्डेड है वो अगर सेम हो तब तो ये इट इज सिंपल एमिनस तो जैसे इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया डाईथेलेमिन का तो डाइथैलेमिन में क्या हो रहा है कि इसमें जो है वो नाइट्रोजन आइटम से जो बॉन्डेड है ये दोनों ग्रुप ये दोनों ही ग्रुप्स इथाल ग्रुप है यानी दोनों ही ग्रुप जो है वो क्या है सेम है तो इट इज़ डाईथैलेमिन एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एमीन ये किसके एग्जाम्पल हो गए सिंपल एमिनस के सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं वो है सी सिक्स एच फाइव डाईफिनइल एमिन. डायफिनाल एमिन. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एमिन वाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एमिन बिकॉज बोथ द ग्रुप्स आर सेम बोथ ग्रुप जो है वो सेम है और जो कि नाइट्रोजन आइटम से बॉन्डेड है यानी ये दोनों ही ग्रुप्स जो है वो फिनाइल ग्रुप्स हैं यानी कि ये डायफिनाइल जो है इट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्पल एमिन थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसमें एक और सी एस थ्री एन सी एस थ्री सी एस थ्री तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका सिंपल एमीन्स इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एमीन्स ट्राई मिथाल एमीन्स ट्राई मिथाल एमिन इसमें भी आप लोग दे रहे हैं देख रहे हैं कि ये तीन तीनों ग्रुप जो होते हैं ये ग्रुप ये ग्रुप और ये ग्रुप ये तीनों ही अल्काइल ग्रुप जो हैं वो सेम है तो ये इट इज़ द और इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एलमिन ये किसके एग्जाम्पल है सिंपल एमिनस के एग्जाम्पल हैं ठीक है थेके? अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट में नेक्स्ट एग्जाम टाइप में नेक्स्ट टाइप इज द मिक्सड एमिन तो मिक्सड एमिन क्या होते हैं मिक्सड एमिन जो होते हैं कि इफ़ द अल्काइल और एर ग्रुप बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन आइटम आर डिफरेंट आर कॉल्ड एज मिक्स एमिन अगर जो अल्काइल और अराल ग्रुप जो बॉन्डेड होते हैं नाइट्रोजन आइटम से वो अगर डिफरेंट हो तब उनको बोला जाता है कि ये कौन से एमिन है तो मिक्स एमिन तो इसके हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जैसे मिक्स एमिन के हम लोग एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं इथाइल इथाल इथाइल इथाल मिथालेमिन इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्सड टेमीन क्योंकि इसमें ये दोनों ग्रुप जो है वो आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट है एक जो है ये मिथाइल ग्रुप है और ये जो है वो इथाइल ग्रुप है यानी कि ये दोनों डिफरेंट है जो कि नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो इट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्सड टेमीन ये किसके एग्जाम्पल है मिक्स टेमीन के एग्जाम्पल है अगर हम लोग और दूसरा एग्जाम्पल है तो सिक्स सी एक्स सी सिक्स एच फाइव एन इथार फिनालिएेमिन इथार फिनामिन इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ़ मिक्स टेमिन इसमें क्योंकि ये ग्रुप जो है देख रहे हैं इथाइल और इट इज़ द फिनाल ग्रुप यह दोनों ग्रुप डिफरेंट है इसीलिए इट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्स टेमिन और अदर हम लोग जो लेते हैं वो फिर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे सी एस थ्री इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमिन कैसे है ये इथाइल ग्रुप हो गया ये मिथाल ग्रुप हो गया ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया तो इट्स नेम इज़ इथाइल मिथाल प्रोपाइल एमिन एंड इट इज़ ऑल्सो द एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्सड एनिमिन यानी ये दोनों पार्ट में आप लोगों ने क्या समझा कि सिंपल एमिनस में क्या होता है कि जो भी अल्काइल ग्रुप होते हैं या एराल ग्रुप होते हैं वो सेम अगर रहेंगे और नाइट्रोजन आइटम से बॉन्डेड होंगे तो इट इज़ द सिंपल एमिन लेकिन अगर मिक्सड एमेंट्स में क्या होते हैं जो अल्काइल और एलायल ग्रुप जो होंगे वो दोनों ही डिफरेंट रहेंगे और अगर अटैच रहेंगे नाइट्रोजन आइटम से

लेकिन आज हम लोग जो एमींस का जो ये पार्ट करने जा रहे हैं तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं और हम लोग को एमीन्स के नॉमिन क्लेचर के लिए उन रूल को अप्लाई करना होगा तभी हम लोग इसका नॉमिन क्लेचर कर पाएंगे तो इनका हमको कॉमन सिस्टम और आईपीएससी सिस्टम से इनका नेमिंग करना है ठीक है तो कॉमन नेम्स के लिए पहले हम लोग कर लेते हैं कि इसके रूल्स क्या बोलते हैं कॉमन सिस्टम का रूल है कि इन कॉमन सिस्टम द एलिफैटिक एमींस आर नेम्ब बाई यूजिंग प्रीफिक्स फॉर अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड एमीन यानी कॉमन सिस्टम में जो भी एलिफेटिक एमींस रहेगा उसका नेमिंग कैसे होगा कि उसमें हम लोग जो प्रीफिक्स लेंगे फॉर अल्काइल ग्रुप के लिए वो किसको फॉलो करेगा एमीन वर्ड को यानी उस पर हम लोग को ऐड करना होगा वो क्या ऐड करना होगा एमीन्स और दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर इन दिस सिस्टम द सेकेंड्री और टर्सरी एमीन्स आर नेम्ड एज एनअल्कायल एमीनो एल्किस यानी कि इसमें अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी मीन्स का अगर नेमिंग करते हैं तो उसमें हम लोगों लोग को क्या लिखना होगा एन अल्काइल एमिनो एल्केन्स। ये कॉमन सिस्टम के लिए ये रूल हम लोग अप्लाई करेंगे और आईपीएससी सिस्टम के लिए क्या है कि इन आईपीएससी सिस्टम द एमींस आर नेम्ड बाई रिप्लेसिंग ई फ्रॉम द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन विथ सफिक्स एमीन यानी कि बोला जा रहा है कि आई पी एस सी सिस्टम में इसका नेमिंग कैसे होगा कि जो एल्केन का ई जो होता है जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि जैसे ये एल्केन है तो एल्केन का ये ई जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और उस प्लेस पर क्या आ जाएगा एमीन आ जाएगा यानी yani कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको ही ऐड कर रहे थे एल्कोहल था तो ई हट के उसमें एल्कोहल हो जा रहा था तो यहाँ पे ये यह जो है वो हट जाएगा और उस प्लेस पे क्या आ जाएगा एमीन आ जाएगा ने दूसरा क्या है दूसरा रूल बोलता है कि द सेकेंडरी एंड टर्सरी ए मीन्स आर हाउ एवर नेम डिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्राइमरी ए दैट इज़ एन अल्काइल एन अल्काइल एल्केनो ए यानी कि इसमें हम लोग को क्या लिखना होगा यानी इसमें हम लोग को जब सेकेंडरी और टर्सरी एम्स का जब हम लोग नेमिंग करेंगे तब उसमें हम लोगों को लिखना होगा एन अल्काइल एन एल्काइल एल्केन एमिन यानी कि इसमें हम लोग को लिखना होगा एन यानी कैपिटल एन को भी ऐड करना होगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नॉमन जैसे सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट एकदम ईजी है जैसे ये है सी एस थ्री एन एच टू ठीक है तो इट इत इज़ इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल एमीन ठीक है एमीन हम लोग यूज़ किए एमीन का वर्ड आया वर्ड आई पी एस सिस्टम में इट्स नेम इज जैसा मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया है तो इट इज मिथेना एमिन यानी कॉमन नेम इज़ मिथाइल एमिन एमिन पूरा यूज हुआ लेकिन इसमें क्या हो जाएगा मिथेन ई का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और उस प्लेस पे क्या आ जाएगा एमिन सेकेंड है सी एस थ्री सी एस टू यानी टू कार्बन आइटम्स है तो इसके नेम क्या हो जाएंगे इट इत इज़ इथाइल एमी, ठीक है और इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा इथेन यानी जैसे हम लोग इथेन लिखते हैं और उसमें ऐड हो जाएगा आपका एमीन, ठीक है थर्ड में हम लोग थर्ड क्वेश्चन में करते हैं सी एस थ्री सी एस टू एन एस टू यानी यानी यहाँ थ्री कार्बन आइटम है वन टू थ्री यानी इट इज़ और फर्स्ट कार्बन आइटम से एन टू अटैच है तो इट्स नेम इज प्रोपेन वन ईमिन इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन ई का रिप्लेसमेंट हो गया और वन फर्स्ट कार्बन आइटम से है तो प्रोपेन वन एम इन अब ये इस कंपाउंड को देखिए क्या बोलते हैं ये सी एस थ्री सी एस एस थ्री तो ये तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं इट इज आइसो एंड इज इट्स मतलब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एमिन एंड इट्स एस नेम इज प्रोपेन टू एमिन ठीक है अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि थ्री साइडेड से यानी ये, ट्राइमि ये ट्राइमिथाइल हो जाएगा तो इट्स कॉमन नेम इज ट्राई मिथाइल एमिन एंड इट्स आई पी एस इन इज एन एन डाई मिथाइल मिथेना एमिन यानी एन एन ये दो हो गया डाई मिथाइल टू मिथाइल के लिए एन मिथेना एमिन तो इसका नेम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल मिथेना एमिन अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में करते हैं इसमें देखिए क्या है सी एस थ्री सी एच टू सी टू सी टू सी एस थ्री सी एस थ्री यानी ये मिथाइल ग्रुप ये इथाइल ग्रुप और ये प्रोपाइल ग्रुप तो इट्स नेम इज इस। इसमें अल्फाबेटिकली होता है यानी ई पहले आएगा फिर मिथाइल प्रोपाइल एमीन ठीक है आईपीएससी सी इट्स कॉमन नेम इज इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन और आई पी एस सी नेमिज एन एन सॉ यानी इट्स आईपे नेम क्या हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल और प्रोपेना एमीन यानी एन इथाइल हो जाएगा क्योंकि एक इथाइल है एन मिथाइल हो जाएगा क्योंकि मिथाइल है एंड प्रोपेना एमीन तो ये हम लोग आज स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया सिंपल एमीन्स एंड मिक्सड एमींस का और दूसरा हम लोग किए है क्लेचर ऑफ एमींस नामिन क्लेचर ऑफ एमीन्स हम लोग का एलिफैटिक कंपाउंड्स का कंप्लीट हो गया इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द Nomenclature of aromatic compounds, and also we study about the um, preparation of amines. Thank you.